सब्सक्राइब कीजिए माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट। ई लर्निंग एंड टीचिंग पेश करते हैं जमात दुवम मजमून उर्दू सबक नंबर 10 हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। तो बच्चों पेश है आपके सामने नया सबक और इस सबक की हम आज बुलंदखानी करेंगे। इसको गौर से सुनिए और उसको बार बार देखिए ताकि आपको ये सबक अच्छी तरह से याद हो जाए। सबक नंबर 10 हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह एक बुजुर्ग हुए हैं। वो बगदाद के करीब जीलान में पैदा हुए थे। उनके वालिद अबू सालेह बड़े आलिम और नेक इंसान थे। अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के बचपन ही में उनके वालिद का इंतकाल हो गया था। हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की वालदा ने उनकी परवरिश की। हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को इल्म हासिल करने का बड़ा शौक था। उस जमाने में शहर बगदाद में बड़े बड़े मदरसे कायम थे। हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह इल्म हासिल करने के लिए बगदाद जाना चाहते थे। उन्होंने अपनी वालदा से इस ख्वाहिश का जिक्र किया। वो बहुत खुश हुई। उन्होंने अपने बेटे को बगदाद जाने और उनके खर्च के लिए 40 दीनार का इंतजाम कर दिया। जब वो बगदाद जाने लगे तो माँ ने दीनार उनकी आस्तीन में सी दिए। चलते वक्त माँ ने बेटे को नसीहत की और कहा, बेटा चाहे कैसी ही मुसीबत आ जाए हमेशा सच बोलना। बेटे ने इस नसीहत पर अमल करने का वादा किया। हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह एक काफिले के साथ बगदाद रवाना हुए। एक दिन ये काफिला जंगल से गुजर रहा था कि यकायक डाकुओं ने काफिले को घेर लिया। वो काफिले वालों का सामान लूटने लगे। एक डाकू हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के पास भी आया। उसने डांट कर पूछा, लड़के बता क्या तेरे पास भी कुछ माल है? हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया, हाँ मेरे पास 40 दिनार है। डाकू समझा ये नादान बच्चा मजाक कर रहा है, इसलिए वो आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद दूसरे डाकू ने उनको पकड़कर यही पूछा। उन्होंने उसे भी यही जवाब दिया कि हाँ मेरे पास 40 दिनार है। डाकू उन्हें पकड़कर अपने सरदार के पास ले गया। सरदार वो बोला, ये लड़का कह रहा है मेरे पास 40 दिनार है। सरदार ने हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को घूरते हुए कहा, लड़के तू झूठ तो नहीं बोल रहा है? नहीं, उन्होंने जवाब दिया, मेरे पास सचमुच 40 दिनार है। कहाँ है? सरदार ने पूछा। हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया, दिनार मेरी माँ ने मेरी आस्तीन में सी दिए हैं। सरदार ने हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के कमीज की आस्तीन फाड़ डाली। उसमें से सोने के सिक्के बाहर गिर पड़े। सरदार को बड़ी हैरत हुई। उसने पूछा, बच्चे तूने ये बात क्यों बता दी? तू झूठ बोलकर अपना माल बचा सकता था। हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया, मेरी माँ ने मुझे नसीहत की है कि हमेशा सच बोलना। एक बच्चे के मुंह से ये बात सुनकर सरदार बहुत शर्मिंदा हुआ। उसने सोचा, ये बच्चा इतना छोटा होकर अपनी माँ के हुक्म को मानता है और झूठ नहीं बोलता। मैं इतना बड़ा हूँ लेकिन खुदा के हुक्म को नहीं मानता। सरदार और उसके साथियों पर हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की सच्चाई का इतना असर हुआ कि उन्होंने बुरे कामों से तौबा कर ली। तो बच्चों आज ये सबक आपने सुना और मेरे ख्याल में आप लोगों को समझ में आ गया कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए क्योंकि झूठ तमाम ऐबों की जड़ है। अगर झूठ बोलना हम छोड़ दें तो हम तमाम बुराइयों से बच सकते हैं। हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की बातों का उन डाकों पे इतना असर हुआ कि उन्होंने तौबा की और वो बुरे कामों को उन्होंने छोड़ दिया। तो हमें भी जो है हमेशा सच बोलना चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सबक में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।